सभी भक्तों को आज बसंत पंचमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। हमारे माघ मास के जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उसका जो पांचवा दिवस होता है वो बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये हमारा सनातन में इस टाइम सारी प्रकृति फूलों से महकने शुरू हो जाती है। पतझड़ होने के बाद में हर जगह नई कलियाँ आती हैं, सरसों के फूल निकलते हैं, एक तरह के प्रकृति का प्रादुर्भाव मतलब उसके पांव जमीन पर आ रहे हैं। अब हर जगह प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही है और इस रूप में जो देवियों की हम पूजा करते हैं उसमें माँ शारदा की जयंती आज बसंत पंचमी के रूप में मनाई जाती है। आज ही माँ सरस्वती माता जी का जन्मोत्सव है और इसी पर्व के रूप में लोग पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, पीला भोजन बनाते हैं, पीला ही प्रसाद माता को अर्पित करते हैं और ये आज का जो दिन होता है ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इसको किसी पंडित से सुधारने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए कितने ही लोग आज मेरे पीछे आप देख रहे हैं सभी अपने बच्चों के मुंडन करवा रहे हैं, आज माता के चरणों में आए हुए हैं। क्योंकि आज के दिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी ब्राह्मण से पूछे बगैर अपने घर में पूजा पाठ, अपने घर की प्रतिष्ठा और यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार कर सकता है। ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त का दिन होता है और जो बच्चे हमारे सनातन में आज के दिन को बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा गया है। जैसे आजकल हम बच्चों को स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, पुराने समय में जब सनातन था और हमारे गुरुकुल थे तो ऋषि मुनि जो है आज के दिन ही सरस्वती माता की वंदना करके बच्चों को आज से ही विद्या आरंभ करने का उनको आज से कर्म शुरू कराते थे। मैं तो यही सभी निवेदन करूंगा अपने हिंदू भाइयों से कि वो भी आज अपने बच्चों को सरस्वती माता की वंदना कराएं और आज से विद्या आरंभ करने का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है ताकि सरस्वती माता सबको विद्या बुद्धि और बल प्रदान करे। और ये जो जयंती जो बसंत पंचमी का जो पर्व है सभी लोग अपने घर में खुशियों से मनाए और ये जो पर्व है वो सभी के लिए खुशियाँ लेकर आए। बोल बसंत पंचमी महामारी की जय। ओम सरस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति सुते व्यस्ता दुर्गा देवतो भिन्मा ओम ज्वाला क्राल मृत्युगम शेषा सुर सुदंत सुर पातुने भीते भद्रकारी ज्वाला माता की जय। सिटी चैनल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।